हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा किचन। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, दाल मखनी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फील देगी। आपको ऐसा लगेगा आप जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठकर ही दाल मखनी को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप इजी तरीके से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ इसको बना सकते। तो यहाँ पर मैंने दाल मखनी बनाने के लिए ले ली है उड़द दाल। तो यहाँ पर मैंने साबुत उड़द दाल ली है 1 कप से नाप कर, उसको मैंने भिगो दिया था। आप चाहे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं या आप 4 से 5 घंटे तो इसको गर्म पानी में भिगो कर रख दें। अगर आप ओवरनाइट नहीं भिगोया है तो 4 से 5 घंटे आप गर्म पानी करिए, उसमें इसको रख दीजिए। यहाँ पर मैंने इसको भिगो लिया है। अब मैं हाथ से इसको रब कर लूँगी इस तरीके से। इससे क्या है, जितना भी इसका कालापन होगा, जितना भी इसका दाल का देखिए ऊपर कालापन आ रहा है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उससे हमारी जो दाल मखनी है उसका कलर एकदम अच्छा आएगा, बिल्कुल भी काला नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इस तरीके से इसको हाथों की मदद से इस तरीके से रब कर करके इसके जो है कालेपन को हटा लूँगी। तो आप देखिए कितना काला पानी ऊपर आ चुका है। तो इसी तरीके से मैं इसको कम से कम 3 से 4 बार वॉश करूँगी, जब तक कि ये बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाता इसका पानी। तो इसको मैंने दोबारा भी साफ़ कर लिया 3 से 4 बार। तो इस तरीके से बिल्कुल साफ़ हो चुकी है हमारी दाल, बिल्कुल भी कालापन नहीं है इसमें। तो अब इसको हम बनाएंगे। तो यहीं पर जो है मैंने राजमा ले लिया है। तो 1 कप दाल के लिए मैंने 1 मुट्ठी राजमा लिया है। अगर आप कप से देखें तो 1/4 कप राजमा। तो यहाँ पर मैंने दाल और राजमा दोनों डाल दिए। तो यहीं पर मैं इसमें पानी डालूंगी। तो यहाँ पर पानी भी मैं उसी कप से डाल रही हूँ जिस कप से मैंने दाल और राजमा लिए थे। तो 1 कप दाल में हमें 4 कप पानी डालना है। तो यहाँ पर मैं 4 कप पानी ऐड कर दूंगी इसमें। तो यहाँ 4 कप पानी डाल दिया है और यहीं पर मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार। तो यहीं पर मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी थोड़ा सा। तो आप देखेंगे बिल्कुल भी काला पानी नहीं है। तो आप इसी तरीके से हाथों की मदद से इसको रब कर करके ही दाल को बनाएं, उससे आपकी दाल का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहीं पर इसको अच्छे से मिक्स करके और मैं अब इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी राजमा और दाल को। तो मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको अब मैं गैस के फ्लेम पर इसको रख दूंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें 1 सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पर और फिर इसको लो करके हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे लो फ्लेम पर। तो 1 हाई में और बाकी 3-4 लो फ्लेम पर हमें लगानी है सीटी। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी दाल बनकर बिल्कुल रेडी है और बहुत अच्छे से गल गई है हमारी दाल। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छे से हमारी चीज़ें गल गई हैं। राजमा भी अच्छे से गल चुका है, राजमा और दाल भी। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा। हमें क्या है, ऊपर थोड़ा पानी सा मतलब इस तरीके से अलग और दाल थोड़ा अलग दिख रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि एक रई लेंगे, इसकी मदद से जो घोटने वाला होता है उसकी मदद से इस तरीके से इसको मैश कर लेंगे दाल को। उससे क्या होगा, आपका पानी बिल्कुल भी अलग नहीं लगेगा दाल से और बिल्कुल एक सेम सी एकदम अच्छा टेक्स्चर आ जाएगा इसका। तो आप देखिए बिल्कुल ही पानी अलग नहीं लग रहा है और दाल अलग नहीं लग रही है, बिल्कुल अच्छे से मैश होके बिल्कुल अच्छे से ये तैयार हो गई है हमारी दाल। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहीं पर मैंने एक रख लिया कढ़ाई गैस पर और इस पर मैं डाल दूंगी घी। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच देसी घी डाल लिया है। तो यहाँ पर आप दाल मखनी बना रहे हैं तो देसी घी का यूज़ करिए, उससे ही दाल मखनी बहुत अच्छी बनती है बटर और घी से ही। तो यहाँ पर मैंने घी को अच्छे से गर्म होने दिया है और इसमें डाल दूंगी 1 तेज़पत्ता। तो ज़्यादा खड़े मसालों का यूज़ नहीं करूँगी मैं, यहाँ पर सिंपल दाल बना रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर एक खड़ा डाल के हमें यहीं पर मैं डाल दूंगी इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे आपके दाल में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती हैं। यहीं पर मैं डाल दिए 2 टमाटर की प्यूरी, जिसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में उसका प्यूरी बना ली थी, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ना यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है ना प्याज का, सिंपल 1 टमाटर से ही मैंने इस दाल को बनाया है बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि दाल मखनी जितनी सिंपल होती है उतनी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमारे अच्छे से हमारा बॉईल आ चुका है टमाटर में अच्छे से देखिए। तो यहीं पर मैं इसमें डाल दूंगी जीरा पाउडर। तो यहीं पर मैंने 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप जितने कम मसाले इस्तेमाल करें और जितनी कम चीज़ें इस्तेमाल करेंगी दाल मखनी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से हमारा ऑयल रिलीज हो गया है अच्छे से हमारे टमाटर की प्यूरी में। तो साइडों में आप देखेंगे ऑयल अच्छे से रिलीज है। तो इसी टाइम पर मैं इसमें डाल दूंगी दाल जो मैंने बॉईल करी थी, उसको डालकर और हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो दाल ही बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है दाल मखनी। ना इसमें ज़्यादा खड़े मसालों का इस्तेमाल होता है, ना ही ज़्यादा चटपटी तीखी होती है। तो बहुत ही सिंपल होगी, उतनी ही टेस्टी लगेगी। सिर्फ इसमें बटर और घी का क्रीम का ही फ्लेवर होता है, जिससे दाल मखनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हमारी थिक लग रही है ग्रेवी, थोड़ा सा दाल गाढ़ी लग रही है, तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के लगभग, आधा कटोरी के लगभग पानी डालना है।
अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितनी गाढ़ी लग रही है दाल। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से चला देंगे और हम इस दाल में थोड़ा बॉयल आने देंगे। तो इसी तरीके से हम इसको छोड़ देंगे और इसमें हमें बॉयल आने देना जब तक कि थोड़ी थिक नहीं हो जाती। तो यहीं पर अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाला। तो यहीं पर मैंने आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और यहीं पर मैं लूंगी एक चम्मच कसूरी मेथी, इसे भी मुझे हाथों की मदद से इस तरीके से क्रश करके इसमें डाल देना है। इससे आपकी दाल मखनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी गरम मसाले और आपके कसूरी मेथी से। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी दाल हमें हल्की सी और थिक करनी है, तो इस तरीके से हम चला लेंगे इसको। तो बहुत ही बढ़िया दाल मखनी आपके घर में ही बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहीं पर देखिए आपका बॉयल आ चुका है और दाल भी काफ़ी थिक हो गई है। तो यहीं पर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच मक्खन। तो यहीं पर मैं 2 टेबल स्पून इसमें मक्खन ऐड कर दूंगी। मक्खन से ही दाल मखनी वाला जो फ्लेवर आता है ना, वो सिर्फ मक्खन और क्रीम से ही हमारी दाल मखनी को बहुत ही अच्छा टेक्सचर मिलता है, बहुत ही अच्छा इसमें स्वाद आता है। ना कि इसमें ज़्यादा मसाले होते हैं, ना ही इसमें ज़्यादा कुछ होता है, बट फिर भी बहुत टेस्टी लगती है दाल मखनी। सिर्फ और सिर्फ बटर और इसमें उसका कॉम्बिनेशन जो होता है क्रीम का, वो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगता है। तो यहाँ पर देखिए बटर भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसी टाइम पर हमें इसमें डालनी है क्रीम। तो यहाँ पर मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, उसको मैं डाल दूंगी 5 टेबल स्पून इसमें अच्छे से। तो 5 टेबल स्पून हमें डाल देनी है, क्योंकि क्रीम ही और बटर का ही इसमें पूरा कॉम्बिनेशन है जिससे इस दाल को एक अच्छा स्वाद मिलता है। तो हम क्रीम को भी अच्छे से इसमें इस तरीके से हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो यहीं पर जो है हमारी दाल मखनी बिल्कुल रेडी है। देखिए बिल्कुल अच्छे से थिक भी हो गई है, कलर टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। तो यहीं पे हमारी दाल मखनी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो यहीं पर मैं इसको सर्व कर लूँगी दाल मखनी को। तो कितना अच्छा कलर, कितना अच्छा टेक्सचर और बहुत ही स्वादिष्ट बन रही है हमारी दाल मखनी। तो यहीं पर मैं इसको ऊपर से डेकोरेट कर लूँगी क्रीम के साथ। तो यहीं पर मैं अमूल क्रीम के साथ इसको ऊपर से भी इस तरीके से कर लूँगी गार्निश। इसे देखने में बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी लगेगी और बिल्कुल होटल जैसा फील आएगा। आप जैसे किसी होटल में खा रहे हैं, तो आपको होटल जाने की कोई झंझट नहीं है। आप घर पे ही इस दाल मखनी को एंजॉय करिए। आप नान रोटी किसी के साथ भी इसको बनाकर खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी दाल मखनी आपके घर पर ही तैयार हो जाएगी। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए चैनल पर लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।